भाई सुनने का मन है नहीं है बताओ, बिल्कुल पूरा है जी। तो बस एक बार पांच सात मिनट के लिए शांत हो जाओ, सारी बात भाइयों ने बता दी है। देखो पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, किसी भी समाज से जो इस लड़ाई को लड़ने का खतरा आया, लड़ना ही एक विरोध पैदा करना है, तो जो आया उसका सबका धन्यवाद, सारे संगठनों का धन्यवाद। और भाई मेरा कोई धन्यवाद नहीं, क्योंकि हमारा तो एक काम है और हम इस समाज में जन्मे, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अगर मजदूर नहीं करेगा तो करेगा क्या? जब इस काम का बीड़ा उठा लिया तो फिर डरना किस चीज से? हमारे यहाँ कहावत है, ओखली में सिर दे लिया तो फिर मुसल था क्या डरना? आप सुझाव मांग रहे थे, मैं सुझाव ही दे सकूं। भाई जो कमेटी बनी हुई है सबके सुझाव से, सबकी सहमति से, उस कमेटी के निर्णय सबको मानने चाहिए, क्योंकि कमेटी में शक्ति होती है। कमेटी को भी सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, सबकी सुनवाई करनी चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। थोपोगे तो फिर मजा खराब हो जाएगा तो लोग आपकी बात मानने के लिए, फिर अपनी क्षमता नहीं जुटाने के। आप कह रहे हैं कि भाई सरकार कद मानने की बात, जब आप यहाँ बैठ रहे हो सरकार आपकी बात क्यों मानेगी? सरकार को जोर पड़ रहा था यहाँ बैठने से। भाई जब तक सरकार का कोई काम प्रभावित नहीं हो तो आप चाहे यहाँ 15 दिन बैठे रहो, सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है। आप जाकर डीसी दफ्तर किसकी खातर है? आप ही के खातर है ना, उसमें ताड़ा मारकर वहां बैठ जाओ, कल सवेरे को आप ये काम करके देख लो, कल शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उससे भी आगे बढ़ो। वो तो डीसी दफ्तर, वो जो कुर्सी बैठा किस काम खातर बैठा? तनख्वाह तो हमारे वेतन दे रहा है ना, वो मालिक थोड़ा ही हमारा। भाई मैंने आज पूछा तो वो बता रहे कि डीसी ने कह दिया कि पावर एसडीएम को दे दी। तो ये हम पहली बार सुन रहे कि एसडीएम पे ज्यादा पावर है, डीसी पे कम पावर है। जब तक आप इन्हें खींच के यहाँ नहीं लानेंगे ना अपने बीच में, या फिर आप वहां नहीं जानेंगे, तब तक बात नहीं बनने की। दो सिद्धांत है प्राकृतिक, कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता है। यहाँ उन्होंने 100-200 पुलिस वाले लगा लिए, आप यहाँ तक उठना रहे हो। आज आप बाहर को गए हो तो उनमें हलचल पैदा हुई है। आज आप अपने आंदोलन को कमेटी बैठ के, मेरा तो सुझाव है बाकी कमेटी तय करे, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा 24 घंटे दिन रात, सड़क कोई भी जो भी आप तय कर दोगे, जो कमेटी तय कर देगी उसको निभाएगा। नहीं, बहुत बड़ा संगठन है भीम आर्मी, मैं भी उसका एक कार्यकर्ता हूँ पूरे देश में। आप जिलों की जिम्मेदारी ले रहे हो, आप मुझे बताओ कौन सा रोड चेक करना है, ठप करना है, टोल बंद करना है, क्या करना है, जो आप कहो। वाल्मीकि समाज के कितने लोग है भाई, आज हाथ खड़े करिए एक बार। लगभग 70% आबादी है भाई। ये विनोद को आप अपना परिवार मानते हो नहीं मानते पहले बताओ, तो तुम्हें क्या जोर पड़ रहा? क्यों उनकी मेहनत मजदूरी करे, काम क्यों नहीं बंद करे तुम? यहाँ इसे बंद कर दो काम को। आप घर परिवार में मीटिंग करके मोहल्लों में कह दो हिसार का काम बंद करो, पहले हम शुरुआत कर देते हैं लड़ाई की, कोई काम पर नहीं जाने का। समय रहे एक दिन में ठीक हो जाएंगे दफ्तर में जी, अगर हमारा आदमी साफ नहीं करने का ना तो घुस नहीं पड़ेंगे अपने बाथरूम में। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसकी अहमियत को समझो। बाकी जो कमेटी का करिए वही, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। एक और मेरा सुझाव है, इस सरकार का मुखिया जो है ना, जिसके पास चाबी है, एमएल खट्टर साहब, वो कहाँ रहते हैं? करनाल। आप एक समय तय कर लो, अभी हमारी एक कमेटी गई थी, क्योंकि आज हम आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ के अधिकारियों से बात करें। वो कह रहे थे 8 दिन में गिरफ्तार कर देंगे। वो मेरे से पूछ रहे थे क्या करना, मैं कहता इन्हें 5 दिन दे दो, फिर कमेटी से पूछ लेंगे जो कमेटी तय कर दे। आप मुख्यमंत्री से जवाब क्यों नहीं मांगते? मुख्यमंत्री तो हमारा जो है ना, यहाँ इस हरियाणा के लोगों का सबका वो है ना, गार्जियन है वो। मुख्यमंत्री भारी है क्या हम तो? भारी है क्या हम तो? मुख्यमंत्री कहाँ रहे वो? करनाल क्यों नहीं घेर लेते तुम? तुम्हारी ताकत, तुम्हारी संख्या है, एकता है, और कुछ नहीं तुम्हारी ताकत, ना सिस्टम में तुम्हारी ताकत है, नेताजी नेताओं की बात आप कर रहे हो, उनको घेर लो कुछ ही कर लो चाहे अंत। वो कल भी बेचारे चमचे थे, आज भविष्य में भी चमचे रहेंगे। वो सारी बात अगर ठा लेते तो तुम उन्हें गाली थोड़े देते भाई। उनसे उम्मीद छोड़ो, अपनी दम पर आओ। लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी जाती है, दूसरों के कंधे पे दास जाती है सिर्फ। जिसे विनोद से प्यार है वो तो यहाँ है, जिसे नहीं है वैसा नहीं कि समाज हमारा बहुत छोटा है। ये दलित समाज छोटा नहीं है, या और जो भाईचारा है वो भी छोटा नहीं है। भाई बिल्कुल सही कहे कि भाई इसको जाति की लड़ाई मत बनाओ, भाई की बात बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या तो जाति की है ना भाई। हमें जो शोषण सहने पड़ते हैं वो जाति की वजह सहने पड़ते हैं। हम तो जातिवाद कभी करते हैं, जो खुद पिटा हुआ वो क्या जातिवाद करेगा, जो जाति के नाम पर रोज अपमानित हो रहा हो क्या जातिवाद करेगा। लेकिन फिर भी मेरा आपसे अपील है
कि आप इसको जाति का संघर्ष बनने मत देना, समझ रहे हो। अच्छे लोग सब जगह हैं, कुछ हमारे लोग भी तो घर है, सारे थोड़े यहाँ हैं। अगर सारे यहाँ जाएंगे तो हिसार चल जाएगा क्या भाई? क्या बात है हिसार में हमारी कितनी? शहर में कितनी हमारी आबादी? एक बता रहे, इस विधानसभा में 1,00,000 ही है हमारी आबादी। तो यानी कि अभी आपने विनोद को जैसे दूसरे लोग जानवर समझ रहे, आपने भी उसको जानवर ही समझा। अभी उसने अपना भाई परिवार का अपना दोस्त हमदर्द नहीं समझा। मैं उनके परिवार से मिला, दो तो छोटी बहने बेटियां हैं बुआ जी वाली, एक उसका खुद का 11 महीने का बच्चा। हम सब लोग जुटा लेंगे, सच है बात, हम जुटा लेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ भावदस के लोगों का भी, उन्होंने कहा कि बच्चे फीस जुटा लेंगे, सब कर लेंगे। मगर ये जो सरकार पे जो बजट है ये किसका है? ये हमारा ही तो है, हमारा टैक्स ही तो बजट है, जो हम टैक्स देते हैं वही तो बजट है। हम तो ये भी जुटा लेंगे, क्या सरकार विनोद को वापस दे देगी हमें? भाई मांगने से भीख मिलती है, हौसला जुटाओ। अभी वो उनकी बात बहुत अच्छी थी, मैं नाम भूल गया उनका, इनकी आंख में चोट लगी थी, पुनमव्रती जी, बहुत जोर की बात थी उनकी कि भाई हम जेल से नहीं डरते। मैं तो खूब जेल काट रही थी, हार्ड जो है ना यहाँ की सबसे बड़ी जेल भारत की, उसकी दो दो बार की डिग्री है मेरे पास, जेल में नम्रता आदमी। हमारे यहाँ तो एक कहावत अभिमानी के लोग, भूखा रह सकता है आदमी लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता, ये अपमान है। 12 दिन हो गए, 12 दिन शर्म नहीं आ रही है? मुख्यमंत्री को नहीं पता लगा, देश दुनिया में कोई चर्चा नहीं, ना नेशनल मीडिया में ना कहीं। आज मुझसे भी पूछ रहा है बीबीसी वाला, भाई इतनी बड़ी घटना होगी, जब मुझसे उसका फोन आया, मैं रास्ते में था, कहा भाई आज इंटरव्यू था, हमने कहा कि यार वहां जा रहे बड़ी घटना हो गई, तो हमने उसने पूछा क्या क्या, हमने बताया कि ये सब चीजें हो गई है। तो वो हमसे कह रहे इतनी बड़ी घटना कोई चर्चा ही नहीं। हमने कहा अभी हम इंसान बने, कहा इंसानों की डेथ पे तो चर्चा होती है, इंसानों की मौत पे तो चर्चा होती है भाई। जानवर मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर ये गाय होता ना विनोद तो भी न्याय हो गया होता, कम से कम गाय जैसे बन जाओ, कुछ तो बनो। भाई नौजवानों से मेरी अपील है, जो कमेटी कहेगी उस हिसाब से चलना, क्योंकि जोश के साथ होश की बहुत जरूरत है, लेकिन कभी कभी बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। हम तो आज सिर्फ बताना आए हैं, आप डेट तय कर लो, अगर हिसार का कोई दफ्तर खुल जा तो हम काम करना बंद कर देंगे, आप डेट तय कर लो। अपनी ताकत को समझो तो सही, आप गांव में जा जाकर समाज को डेट तय कर लो, अगर हिसार का कोई दफ्तर खुल गया तो काम करना बंद करेंगे। आप डेट तय करो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। आप न्याय क्यों मांग रहे हो? न्याय तो आपका जनसिद्ध अधिकार है भाई, गिरफ्तारी के लिए आप क्यों बैठे हो यहाँ? गिरफ्तारी तो पुलिस की करनी है, तनख्वाह ले रही है पुलिस के लोग। ये परिवार क्यों बैठा है यहाँ? हम हमारी जो हमारे भाई का शरीर क्यों सड़ रहा है यहाँ? क्योंकि वो हमें हमारी औकात ना अपनी रहे हैं। अपनी ताकत बनाओ, वरना कल किसी और विनोद का नंबर है। एक तो अभी पीजीआई में है, अभी तो ये भी वो नहीं हुआ कि वो सही रहेगा नहीं रहेगा। यार जानवर को भी पीटते हुए आदमी तर्स खा लेता है, आपने हालत देखी उसकी, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका गला। मैंने बैठी है, हमारी माए बैठी है, इनका बहुत बहुत सम्मान किए डटी हुई है, उसको गलत जगह पे चोट। क्या साबित करना चाहते हो? बड़ी हिम्मत से कह रहे थे हमारे लोग दबंग लोग हैं। अरे 4 लोग 6 लोग पकड़ के एक आदमी को मार दे रहे हो, दबंग बता रहे हो सर? 17 लोग पकड़ के 3 लोगों को पीट के मार लिए और कह रहे हैं दबंग है। एक एक करके सर आपने सामना करके देखो, आओ तो सही, तो बराबर गए हैं, किसी एक को चुन के आ जाओ, हिम्मत चेक कर लो तुम्हें कितना बल है। हम में कमी क्या है ना, मैं बताता हूँ सच क्या है, हम में कमी है भूलने की। जब कोई घटना होती है तब हम घर से निकल के आते हैं, उसके बाद हम घर चले जाते हैं, फिर कोई घटना होती है फिर निकल के आते हैं। हमें भी आप ये समझो कि ये हमारे लोग समाज जो है ना, ये वो है जो छिट पिट के जब परेशान हो जाता है चिल्लाने के लिए आता है। ताकत बनाओ भाई, हाथ पकड़ो, टांग मत पकड़ो एक दूसरे की। लड़ाई यहाँ आज भी हम 70 साल में रोटी कपड़ा मकान तक पहुंचे हैं कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। जिनको 84 करोड़ लोगों को सस्ता राशन मिलता है, उनमें बहुजन समाज के लोग अपनी आबादी तो देखें कितनी है। उन 84 करोड़ में 80 करोड़ हो, आप शर्त लगा लो चाहे, कितने लोग सक्षम हुए हैं? सक्षम लोग लड़ना नहीं चाहते, गरीब बेचारा रोटी के लिए लड़ रहा है, मिडिल क्लास के लोग सोचते हैं लड़े या क्या करे, परिवार का ध्यान रखते, उन पर सरकार का दबाव है। तो जो भूखा है वही लड़ेगा, जिसको दर्द है वही लड़ेगा। और आप में दम है तो कमेटी तय कर दे,
कल डीसी दफ्तर पे ले जाओ अपने मोर्चे को, और लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़नी नहीं है उसकी, केस की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम तो इस केस को ट्रांसफर कराएंगे यहां से दिल्ली, हम इसके लिए चाहे बड़ा आंदोलन हमें राष्ट्रीय स्तर का करना पड़े, हम इस केस को हरियाणा में नहीं छोड़ेंगे, हम हरियाणा को देख लिए, रोज हरियाणा में जातिगत बहिष्कार होता है, रोज है खापड़ का मामला, कई और का मामला, रोज जो है तमाम तरह की और मुसीबतें खड़ी होती है, रोज यहाँ कार्रवाई नहीं होती, इस मामले को अगर हमने यहाँ छोड़ दिया तो न्याय नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है, हम इस मामले को दिल्ली लेके जाएंगे, और दिल्ली कोर्ट में जैसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट से चाहे सुमोटो करवाना पड़े या हमें वहां तमाम तरह के आंदोलन करने पड़े, हम इसको खींच के ले जाएंगे यहाँ से, और इन अधिकारियों को भी जो न्याय में देरी कर रहे हैं, और उन लोगों को भी जिन्होंने ये किया है, उनको वही सजा मिलेगी जो कानून संबंध उनकी बैठती है, समझ रहे, वरना तो मरते भी हम है, पिटते भी हम है, जला भी रात को हमें 3 बजे दिया जाता है, और चर्चा नहीं होती, चर्चा करनी पड़ेगी आपको, चर्चा उनकी होती है जिनमें जोर होता है, पहले आप ना कमजोर और ताकतवर समझौता नहीं होता, पहले आप ताकतवर बनो, हमारी एकता हमारी ताकत है, पहले अपनी एकता बनाओ, हैसियत है किसी की तुम्हें शोषण कर दे, उन्हें पता कि एक को पीटोगे दूसरा उसी की बुराई करेगा कि ये गलत होगा इसलिए पीट दिया, समझ रहे हो भाई, कब तक पीटोगे, अच्छा आप ही बता दो ना, नौजवानों का तो मैं कहता नहीं, मैं पूछ रहा हूं आप कब तक पीटोगे, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल उसके बाद लड़ोगे, तो अभी क्यों नहीं भाई, जब सब अपने अपने नंबर का इंतजार किए हैं कि जब मैं पिटू तब लड़ू, तो फिर अभी क्यों नहीं लड़ना चाहते, ये कल आपके साथ होना है नहीं होना, अच्छा दिल से बताओ, अन्याय के खिलाफ लड़ना इसका जरूरी है, विनोद तो चले गए हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं किसी और के साथ ना हो, अगर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो वो न्याय के लिए बाधा उत्पन्न कर देगा, और वो हर जगह होगा, समझ रहे हो, अगर आप अपराधियों को छूट दोगे तो क्या वो अपराध करेंगे या सज्जन हो जाएंगे, वो अपराध करेंगे, ये एक नेचर है, इसको बदला नहीं जा सकता, उनको जो इस तरह कार्रवाई करते इस तरह घटना करते उनको लगता है कि ये कुछ करेंगे नहीं, कई मामले हो गए हरियाणा में, आपको संवैधानिक तरीके से जवाब देना, अपने आंदोलन को मजबूत करो, कमेटी तय कर ले, मेरा सुझाव है कल डीसी दफ्तर पे ले चलो धरने को, डीसी दफ्तर पे ताला मारो और धरना वहीं चलेगा, भाई जब हम यहाँ जमीन पे बैठे हैं डीसी कैसे बैठा है कुर्सी पे, वहां जब हमारे भाई की लाश यहाँ पड़ी हुई है तो वो चैन से उसके हीटर में कैसे बैठा है वो, क्या हमारी बहनों को तकलीफ नहीं होती यहाँ बैठते, उनके आंसू सूखे नहीं है, वो कैसे चैन से सो रहा है, पैसे लेता तनखा मोटी जी, क्यों बैठा हुआ है वो, उनपे 12 दिन में गिरफ्तार नहीं हुआ अपराधी, वो सब जब हम यहाँ धरने बैठे हुए, अगर हम ना बैठे तो हो जाते गिरफ्तार, क्यों बैठे हम यहाँ, इसलिए बैठे क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बैठने गिरफ्तार हो जाएंगे, बैठना बंद करो, बैठना है तो सही जगह बैठो ना भाई, देखो अगर बैठना है तो जमीन पे बैठना है, कुर्सी पे आपको तय करना है ना, यहाँ वो सोच रहे हैं बैठे रहेंगे सुबह आएंगे गला फाड़ेंगे चले जाएंगे, शाम टाइम कुछ पड़े रहेंगे, किसान बहुत दिन पड़े रहे, सही कहे किसान जीत गए, लेकिन किसान वहां भी लड़ रहे थे और घर पे भी लड़ रहे थे, किसान अगर वहां आंदोलन लड़े तो क्या टोल नहीं खुलवा बंद उन्होंने बंद करवा रखे थे सारे, बताओ करवा रखे थे नहीं करवा रखे थे, उनके प्रति जनता में समर्थन था तभी वो जीते, और फिर अगर आपको जीतना है तो आपको जन समर्थन तैयार करना पड़ेगा, जन समर्थन आप पे बहुत है, एक दिन के लिए काम तो छोड़ो आपने लोगों का, हिसार से शुरू करो, पूरा हरियाणा छोड़ेंगे, फिर हरियाणा के बाद सारे देश में छोड़ेंगे, 4 दिन में इनकी अकल लगा देंगे ठीक, हमको ही देखो भाई अपनी ताकत को पहचान जाओ, वो स्थिति है कि जगह जगह के बताना पड़ रहा है कि तुम ताकतवर हो ताकतवर हो ताकतवर हो, समझ रहे हो, अपनी बात को खत्म कर देता हूं, मेरा सुझाव कमेटी निर्णय ले और निर्णय अपने निर्णय को ताकतवर निर्णय समझे, ये ना सोचे कि आपके निर्णय के बाद डीसी सुनेगा नहीं सुनेगा, चीफ मिनिस्टर सुनेगा, आपका निर्णय लो तो सही, जैसे आप आज निर्णय लिया तो हमला हमारे जैसे लोग नहीं आए चल के, ये आप ही का तो निर्णय है ना 25 तारीख वाला, अभी तो हमारे जैसे लोग आए, आप डेट तय कर लो 5 दिन का समय रखते, इनका नया साल बनवा दो ना आप सरकार का, नया साल बनवा दो इनका और करजाल चलो, जितने लोग पूरे हरियाणा से आएंगे इतने सिर्फ भीम आर्मी के लोग आएंगे, मेरी जमाने आप लोगों से, जय भीम, जय भीम, आप मोर्चा लो करनाल में और मुख्यमंत्री चैन सन सोएगा पाटिल, आप घोषणा तो करो अपनी ताकत तो जानो, आ तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ही देखना है इस मुद्दे पे चर्चा होगी नहीं होगी, कब तक छिपेंगे कब तक डरेंगे कब तक भागेंगे, हमारी लड़ाई किसी से छीनने की थोड़ा ही है भाई, उनके परिवारों को यहाँ जितने लोग बैठे कितने अपशब्द कहा है आप तक,
नहीं कहा ना, हमारी लड़ाई किससे है, क्या किस जाति से है? हमारी लड़ाई अपराधी से, और अपराधी हम नहीं, ना तो नया बनने देंगे ना पुराने वाले को चैन से सोने देंगे। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। अपनी शक्ति को पहचानो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। मैं अभी यहाँ, वो यहाँ SDM और DC नहीं है, यहाँ SDM हासी है, वो आ रहे हैं। मैं एक बार उनसे बात कर लूँ उन्होंने क्या तय किया है। आपने जो मांग पत्र बनाया है उसी मांग पत्र पे, वो मांग पत्र पे क्या वो, क्योंकि कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। ये आंदोलन आपने बहुत मजबूत खड़ा किया, लेकिन हम पे कुछ, हमें जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही, हमें समाज में वो जवाबदेही रखनी पड़ती है। तो हम उनसे पूछ लें कि उनका क्या मन, बाकी जो आप कहोगे हम सब लोग उस पर खड़े मिलेंगे। ठीक है, जय भीम। मदद करोगे नहीं करोगे, पहले हाथ उठाओगे। अगर करनाल जाना पड़ा जाओगे नहीं जाओगे? एक आदमी 10 आदमी को लेके आएगा नहीं आएगा? अगर चक्का जाम करना पड़ा करोगे नहीं करोगे? अगर डीसी दफ्तर ताला मारना पड़ा तो मारोगे नहीं मारोगे? और अगर लाठी खानी पड़ी तो खाओगे नहीं खाओगे? खा लेना। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि लाठी पलट के मार देना, मैं भड़काता उड़काता नहीं हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि पलट के मार देना, क्योंकि तुमने पलट के मारी तो उनका काम हो जाएगा। मारनी नहीं है, लेकिन खानी भी नहीं है सर, समझ रहे हो? खानी भी नहीं है। अपने अधिकारों को जानो, कोई किसी हैसियत नहीं कि आपको लाठी मार दे। कानून संवैधानिक रूप से लड़ो ना, जैसे यहाँ लड़ रहे हो ना ऐसे ही आपका अधिकार है। क्या किसान नहीं बैठे जाके DC दफ्तर में, बताओ आज तक? क्यों भाई, वो किसान मोर्चा वाले साथी कहाँ, क्या बैठ नहीं सकते हैं क्या? वो किसके लिए दफ्तर? वो हमारे लिए। हम यहाँ क्यों बैठेंगे? हम वहीं बैठेंगे क्यों जी? बताओ जी पूनम साहब। हाँ अभी बैठ जाइए, आप तय कर लेना। हमने तो सुझाव दिया, सुझाव मांगे थे ना। एक और सुझाव मेरा ये है आपसे, देखो आज आप अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, सबको फोन करो कि भाई काम बंद करो, आप यहाँ मरोगे भी और सड़ोगे भी और फिर आप काम भी करोगे, तो ये तो न्याय नहीं हो रहा ना, ये अन्याय, ये तो आपको रोकना पड़ेगा। उनको ये पता है ये तो रोटी के लिए काम भी करेंगे। अरे रोटी भाई, अब तक तो आप तमाम तरह के व्रत रखते हैं, तब भी तो भूखे रहते थे, रह लो 2-3 दिन भूखे, क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चों के लिए तो समाज व्यवस्था करा देगा, इतना हल्का नहीं है समाज। लेकिन ये तो हिसार बहुत मजबूर है, ये तो बहुत ताकतवर लोग है। ये 5 लोग हैं हमारे जो कमेटी आदेश देगी, ये आपको 24 घंटे 7 दिन खड़े मिलेंगे। आप आदेश करना और रिजल्ट देखना। हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप भानखड़, भाई विक्की साहब, भाई कुलदीप वाल्मीकि, विजय अठवाल और रमेश राणा जी और टिंकू भानखड़ जी, और ये हमारे कोर कमेटी के मेंबर है रामे प्रधान जी, भाई नोटियाल साहब भी आए हुए हैं, प्रदेश भी है, वो भी गए हुए हैं उनसे बात करने SP से। ये 24 घंटे आपको मिलेंगे, पूरी सेवा है हर तरह से, जो जिस भाषा में समझे, जो उसी में समझाने के लिए आपको खड़े मिलेंगे। संवैधानिक तौर पे संविधान को मानते हैं, संविधान के बाहर काम नहीं करते, बस कभी कभी जो है ना संवैधानिक ताकत का एहसास कराते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैंने महसूस की, सबको कहा था ना कि ताली मत बजाना, फिर भी लोग ताली बजाएं, कारण पता क्या है? अभी हमारे लोग तैयार नहीं, समझ रहे हो? अगर ये बात सरकार को पता लग जाए कि आप तैयार हो गए हो ना, शोषण तो बहुत दूर की तरफ, आपकी तरफ आंख उठा के ना देखा कोई। उनको पता है कि तैयार नहीं है, उनको कुछ भी कह के बहला फुसला के अवसर अवसर देके तोड़ा जा सकता है, टूटना मत। नौजवानों से मेरा निवेदन है, लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है, ना बिकना, ना टूटना, ना रुकना। लड़ाई लंबी है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था ना वो पूरा करना है इस देश में, और अगर उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए समाज को तैयार करो भाई, समाज को जोड़ो, एकता बनाओ। बाबा साहब हमें दलित में, जातियों में नहीं बांट के गए, चमार, वाल्मीकि, फांसी, धोबी, खटी, कोरी नहीं बांध के बना गए, वो हमें शेड्यूल कास्ट बना के गए थे, 80 बनो, पहले अनुसूचित जाति के लोग बनो, भाईचारा बनाओ, एक दूसरे का मान सम्मान करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, भाईचारा बना के रखो, एक दूसरे के महापुरुषों का सम्मान करना सीखो, वो हमारे महापुरुष है, कोई किसी महापुरुष के बारे में गलत टिप्पणी ना करे, उससे आगे बढ़ो। ST जो लोग हैं, जिनको ST बनाया उनसे भाईचारा बनाओ, फिर जो OBC है, अन्य पिछड़े वर्ग, उनसे भाईचारा बनाओ। भाई कहे ना कि कैसे खत्म हुई पूरी चीज, जब भाईचारा बनेगा तब, जब हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, अभी तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ेंगे तब बनेगी भाईचारा। फिर माइनॉरिटी के लोग उनको जोड़ो, भाईचारा बनाओ,
छिते पीटे गिराए गए टूटे फूटे भोजन समाज का इकट्ठा हो, तब जाके आपकी मुक्ति के रास्ते खुले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कमेटी के लोगों को मेरी सूचना है, एसपी 5 दिन का समय दिए गिरफ्तार करने के लिए। आप जो तय करो, कमल बराड़ा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं, जो आप तय करोगे उस पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, वो खान खाना बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े ना होंगे, एक मिनट काम करो, बैठे रहो, कोई कोई इधर उधर नहीं जाएगा, बैठे बैठ जाओ आराम से। आप लोग एक मिनट रहेंगे, राहुल बात की जा रही है। ये कहाँ नागराजी लड़ोगे कोर्ट?